अपन ने काइनेमेटिक्स में रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है ना। रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव टर्म्स होती है, फिर हमें एक रेफरेंस सिस्टम चाहिए होता है। तो ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में सीखी, ठीक है। काइनेमेटिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया मैंने, बताया ये पूरा काइनेमेटिक्स जो होता है ये पूरा का पूरा किसके बारे में होता है, मोशन के बारे में होता है। क्योंकि देखो काइना जो वर्ड है, काइनेटिक या काइने वर्ड जो है, ये वर्ड का मतलब ही क्या होता है, मोशन होता है। जैसे आप काइनेटिक एनर्जी, यानी कि कोई एनर्जी ऐसी है जो मोशन में होती है ना। तो इस तरह से काइनेमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था, और ये पूरा चैप्टर मोशन के बारे में होगा, और अलग अलग तरह के मोशन पॉसिबल हैं, रेक्टिलिनियर मोशन है ना, रेक्टिलिनियर, फिर सर्कुलर मोशन, फिर ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। तो अलग अलग तरह के मोशन पॉसिबल है। सबसे पहले अपन ने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें दो तरह के मोशन होते हैं, 1D मोशन एंड 2D मोशन। मैंने टाइम को बताया, टाइम क्या, नेचर कैसा होता है, ये सब चीज़ें अपन ने लास्ट क्लास में सीखा। अब काइनेमेटिक्स में आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट लेते हैं कि काइनेमेटिक्स में और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। तो नेक्स्ट काइनेमेटिक्स में कुछ और टर्मिनोलॉजी डिफाइन करते हैं, जैसे मोशन। मोशन के बाद में हम टर्मिनोलॉजी डिफाइन करते हैं पोजीशन, ठीक है। सबसे पहले डिफाइन करते हैं पोजीशन, क्या होती है पोजीशन, हिंदी में इसको बोलते हैं स्थिति, ठीक है। पोजीशन क्या होती है इसे समझते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट का किसी एक रेफरेंस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा या फिर स्थिति होगा, पोजीशन होगा, मतलब कितना रेफरेंस पॉइंट से उसका डिस्टेंस है, वही क्या हो जाएगा, एक पोजीशन हो जाएगा। जैसे मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल के तौर पे ये मान लो कोई वाई एक्सिस है और यहाँ पे कोई एक्स एक्सिस है मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ये मान लो पोजीशन है कोई एक्स बराबर जीरो वाली, ये पोजीशन कौन सी होगी, एक्स बराबर जीरो वाली पोजीशन हो गई, ठीक है। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे ये एक्सिस एक्स एक्सिस है और ये एक्सिस वाई एक्सिस है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता है, ऐसा अपन एज्यूम करते हैं। तो इनिशियली इसकी पोजीशन को अपन बोलेंगे एक्स बराबर जीरो पर है। उसके बाद में जैसे जैसे ये आगे आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो ये पोजीशन हो सकती है कोई एक्स बराबर 1 मीटर। फिर और आगे आएगा तो ये पोजीशन हो जाएगी एक्स बराबर कोई 2 मीटर। तो पोजीशन क्या होती है, किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में, रिलेटिव में जो डिस्टेंस होती है किसी ऑब्जेक्ट की, उसे हम क्या बोलेंगे, पोजीशन बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट पहले एक्स बराबर जीरो पे था, उसके बाद में एक्स बराबर 1 पे आ गया, और उसके बाद में एक्स बराबर 2 पे आ गया। तो पोजीशन क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी, जैसे या तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले सकते हैं, है ना। अगर मैं एक्स बराबर जीरो के रिलेटिव में इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखूँ तो ये हो जाएगी 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक्स बराबर जीरो के रिलेटिव में देखूँ तो ये तो है 1 मीटर, और ये हो जाएगी यहाँ पे 2 मीटर, ठीक है। और देखो एक और चीज़ यहाँ पे, पोजीशन हमेशा एक्स बराबर जीरो के रिलेटिव में दी जाए ये ज़रूरी नहीं है। मैं एक्स बराबर 2 मीटर पे जब ऑब्जेक्ट है, तो इसको 1 मीटर जो है, एक्स बराबर 1 मीटर, उसके रिलेटिव में भी पोजीशन दे सकता हूँ। तो अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे ये जो पोजीशन आएगी वो 1 मीटर आ जाएगी। तो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें ये भी ज़रूरी है कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। अगर रेफरेंस पॉइंट जीरो वाला लें तो उस केस में तो पोजीशन 1 मीटर और 2 मीटर आ जाती है, लेकिन रेफरेंस ही अगर हम 1 मीटर ले लें तो इसकी पोजीशन फिर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी इससे डिस्टेंस, और इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो पोजीशन क्या है, एक रिलेटिव टर्म है जिसे अगर डिफाइन करें तो ये डिस्टेंस होती है किसी ऑब्जेक्ट की या किसी पॉइंट की, किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिव में। तो पोजीशन क्या होती है, इट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट, फ्रॉम ए
रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो किसी एक रेफरेंस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो उसकी पोजीशन कहलाती है। तो हिंदी में लिख देंगे इसको कि यह किसी वस्तु की किसी सापेक्ष बिंदु के किसी बिंदु के सापेक्ष कि यह किसी वस्तु की किसी बिंदु के सापेक्ष स्थिति होती है, के सापेक्ष स्थिति होती है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे ये पॉइंट बोल देता हूँ ए, ये पॉइंट बोल देता हूँ बी और ये पॉइंट बोल देता हूँ सी, तो जो एक्स बी है, एक्स बी का वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू अगर ए देखा जाए, मैं इसको ऐसे बोलूँगा एक्स बी ए क्या है, पोजिशन ऑफ बी, पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए, इसको बोलेंगे पोजिशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है। बी का ए के सापेक्ष स्थिति, बी का ए के सापेक्ष स्थिति। तो ये अगर निकालें तो यहाँ पे देखो ये कितनी आ रही है, ये 1 मीटर आ रही है ना, तो ये 1 मीटर क्या आ रही है, इसमें से अपन क्या कर रहे हैं एक्स बी माइनस एक्स ए करेंगे, यानी कि जो बी का पोजीशन है उसमें से एक्स ए घटा देंगे, तो हमारे पास में एक्स बी माइनस एक्स ए क्या हो जाएगा, एक्स बी आ जाएगा, यानी कि पोजिशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए आ जाएगा। और यहाँ पे इसके देखो वैल्यू देखें तो एक्स बी 1 मीटर पर है और एक्स ए 0 मीटर पर है, तो ये क्या हो जाएगा 1 मीटर ही आ जाएगा। और इस तरह से अगर मैं एक्स सी माइनस एक्स बी देखूँ, एक्स सी माइनस एक्स बी यानी कि पॉइंट सी का पोजिशन बी के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा पोजिशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी। अब देखो बी के रिलेटिव में अगर सी का पोजिशन देखना है तो आपको क्या करना होगा, एक्स सी में से एक्स सी का जो पोजिशन है, मान लो एब्सोल्यूट कोई पोजिशन होगा ओरिजिन के रिलेटिव में, तो एक्स सी में से आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स बी को घटाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो एक्स सी बी सी का बी के रिलेटिव में पोजिशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक्स सी माइनस एक्स बी हो जाएगा। तो एक्स सी माइनस एक्स बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स सी तो यहाँ पे है 2 मीटर और एक्स बी कितना हो गया यहाँ पे 1 मीटर हो गया, तो 2 में से जब 1 जाएगा तो ये केवल 1 मीटर बच जाएगा। तो इस तरह से हम रिलेटिव पोजीशंस निकाल सकते हैं, और पोजीशन को या तो ओरिजिन के रिलेटिव में निकाल लो, जैसे यहाँ पे अपन ने किया, अपन क्या कर रहे थे यहाँ पे ओरिजिन के रिलेटिव में निकाल रहे थे, तो एक्स बी माइनस एक्स ए आ रहा था, यानी पहले तो हमने जो ओरिजिनल वैल्यू वो रखी और बाद में हमने ओरिजिन रख दिया एक्स बराबर 0 वाली वैल्यू, ओके ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आई बात समझ में? जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक कोई गाड़ी है, मान लीजिए ये ट्रैवल कर रही है इस तरह से, यहाँ पे ट्रैवल कर रही है कोई गाड़ी ले लेते हैं, और इस गाड़ी का जो पोजीशन है वो अलग अलग समय पे अलग अलग है। टी बराबर 0 पे गाड़ी का पोजीशन यहाँ पे था, फिर गाड़ी यहाँ पे आ गया चल के, फिर गाड़ी यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इनकी जो अलग अलग पोजीशंस दी गई थी, मान लो ये पोजीशन है कोई एक्स बराबर 20 मीटर और ये कोई पोजीशन है एक्स बराबर कोई 50 मीटर और ये कोई पोजीशन है एक्स बराबर 0 मीटर, ठीक है। और मैं इस पोजीशन को ए पॉइंट बोल देता हूँ, बी पॉइंट बोल देता हूँ और सी पॉइंट बोल देता हूँ। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड आउट पोजीशन ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट, या फिर मैं आपसे पूछ लूँ सिंपल सा, अगर देखें तो सी का ए के रिलेटिव में पोजीशन क्या होगा और सी का बी के रिलेटिव में पोजीशन क्या होगा, तो क्या क्या आंसर आ जाएंगे बता दो। सी का ए के रिलेटिव में पोजीशन और सी का बी के रिलेटिव में पोजीशन, बिल्कुल सही आदित्य। सी का ए के रिलेटिव में तो आ जाएगा 50 और सी का बी के रिलेटिव में आ जाएगा 50 में से 20 गया 30, बहुत ही सिंपल सा। तो एक्स सी माइनस एक्स ए करेंगे, हमें क्या करना होगा एक्स सी ए निकालना है, तो क्या करना है एक्स सी माइनस एक्स ए, और एक्स सी कितना है ये 50 है और एक्स ए कितना है ये 0 है, तो पहले का आंसर तो आ जाएगा 50 मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा।
और एक्स सी बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स सी माइनस एक्स बी, और एक्स सी कितना है ये तो है 50, और एक्स बी कितना है ये है 20। तो 50 में से जब 20 को रिड्यूस करेंगे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 30 मीटर। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है? बहुत ही सिंपल सिंपल से ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, पोजीशन को लेके। तो ये पोजीशन के बारे में हमें इतनी जानकारी पता होना चाहिए, इतना हमें पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ आपको बताते हैं कि जैसे वेक्टर अपन सीख रहे थे, वेक्टर का थोड़ा बहुत पार्ट मैं यहाँ पे लेता हूँ। जैसे पोजीशन तो मैंने डिफाइन कर दिया, एक और टर्म होती है पोजीशन वेक्टर, इसे डिफाइन कर दो। देखो पोजीशन वेक्टर, हिंदी में इसे कहेंगे स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, देखो क्या होता है, ये पोजीशन को अपन वेक्टर फॉर्म में जब कन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। जैसे ये कोई मान लो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया और ये एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे कोई पॉइंट लिया मान लो मैंने ए, तो उस ए के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोमा वाई है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोमा वाई है। तो मैं यहाँ पे अगर ये ओरिजिन ले लूँ और ओरिजिन से ए की ओर जाने वाला अगर मैं वेक्टर ड्रॉ करूँ, जैसे ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, इस ओरिजिन से ए की ओर जाने वाला वेक्टर अगर हम ड्रॉ करते हैं, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोमा वाई है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं जैसा कि हम जानते हैं 0,0। तो अब ओरिजिन मान लो ओ पॉइंट है कोई, ओ से ए की ओर जाने वाला जो पोजीशन वेक्टर है मान लो ये कहलाएगा ओ ए वैक्टर। तो ओ ए वैक्टर क्या है, ओ ए वैक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। हम ओ ए वैक्टर को क्या बोलेंगे, ओ ए वैक्टर को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए, है ना, ये जो ए पॉइंट है ना, कोई जनरल कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई ले लिया, वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु ए का स्थिति सदिश, इसे बोलेंगे मूल बिंदु के सापेक्ष, बिंदु के सापेक्ष बिंदु ए का स्थिति सदिश। तो इसमें भी अपन ऐसे ही करेंगे, जैसे मान लो अपन को ओ ए वैक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, जैसे ओ ए वैक्टर है तो इसमें से जो एक्स है, एक्स में से ये 0 घटा दिया एक तरह से, एक्स माइनस 0 आई कैप प्लस वाई माइनस 0 जे कैप। तो इसको जब करते हैं तो ओ ए वैक्टर की जो वैल्यू आती है ये आ जाती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये ओ ए वैक्टर आ जाएगा यानी कि ए का पोजिशन वैक्टर आ जाता है। इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। जैसे पोजिशन वैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, एक वैल्यू में से, एक कोई पोजिशन में से दूसरी पोजिशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही अगर एक्स कोमा वाई का पोजीशन वेक्टर हमें निकालना है ओरिजिन के रिलेटिव में, 0,0 के रिलेटिव में, तो ये ओए वेक्टर क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आ जाएगा। मान लो मैं इसको एक्स वन वाई वन ले लेता हूँ, एक्स वन वाई वन ले लेते हैं, तो ये एक्स वन माइनस 0 हो जाएगा, ये वाई वन माइनस 0 हो जाएगा, ये एक्स वन आई कैप हो जाएगा और ये वाई वन जे कैप हो जाएगा। तो ओ ए वैक्टर आ गया अपने पास एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप। इसी तरह से मैं यहाँ पे एक और दूसरा पोजीशन वेक्टर लेता हूँ, मान लो ये ले लिया मैंने कोई ओ बी वेक्टर, ओ कोई बी वेक्टर ले लिया, ये पॉइंट हो गया कोई बी जिसके कोऑर्डिनेट हैं कोई एक्स टू कोमा वाई टू, ठीक है। अब देखो जो ओ बी वेक्टर होगा इसे अपन कह सकते हैं ओ बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा इसी तरह से, ओ बी वैक्टर जो है वो आएगा एक्स टू माइनस 0 आई कैप प्लस वाई टू माइनस 0 जे कैप। तो यहां से
ओबी वेक्टर की वैल्यू अपन वैसे सीधा भी लिख सकते हैं, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप, ये अपन सीधा भी लिख देते तो को भी तो भी गलत नहीं था, सीधा लिख सकते थे एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप। अब देखो हम तीसरा एक कोई वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसे अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ से यहाँ तक ये जो वेक्टर आएगा एक, जो ओ ए से बी की ओर आएगा, ये हो जाएगा ए बी वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, ए बी वेक्टर। तो ये ए बी वेक्टर क्या है, एक ए से बी की ओर जाने वाला वेक्टर है, इसे अपन बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अपन डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको बोलेंगे हिंदी में विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो क्या होता है, ये ओ ए वैक्टर हो गया, ये ए बी वैक्टर हो गया, ये ओ बी वैक्टर हो गया। तो यहाँ पे जो ए बी वैक्टर है ना, जो ए बी वैक्टर है, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वैक्टर फ्रॉम ए टू बी, इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, जो पॉइंट ए से बी की ओर जाने वाला विस्थापन सदिश कहेंगे इसे, ए से बी की ओर विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश, ठीक है। तो ये ए बी वेक्टर कहलाएगा। अब देखो ए बी वेक्टर की अगर वैल्यू हमें पता लगानी है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहां पे ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, देखो ये ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर तो सेम सेंस में है और OB वेक्टर अपोजिट सेंस में है, तो फ्रॉम ट्राइंगल लॉ हम ये ऐसा कह सकते हैं कि फ्रॉम ट्राइंगल लॉ हम कह सकते हैं त्रिभुज नियम जो था सदिशों का, उनसे क्या आ जाएगा, जो OA वेक्टर है उसमें जब हम AB वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, OB वेक्टर मिल जाएगा, या फिर AB वेक्टर की वैल्यू जो है यहां पे क्या आ जाएगी, OB वेक्टर माइनस में ओ ए वैक्टर आ जाएगा। तो ए बी वैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। अब ओ बी वैक्टर की वैल्यू यहाँ से ऊपर अपन ने निकाल रखे हैं पहले से, तो ए बी वैक्टर को अपन लिख सकते हैं ए बी वैक्टर बराबर एक्स टू, ओ बी वैक्टर की वैल्यू रखी एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप, माइनस ओ ए वैक्टर हो जाएगा एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप। यहाँ से ए बी वैक्टर का वैल्यू आएगा, एक्स टू में से एक्स वन घटा दिया तो एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन इंटू जे कैप। तो यहाँ से आप देख सकते हो अगर हम दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं, मान लो ए का कोऑर्डिनेट तो था एक्स वन वाई वन और बी का कोऑर्डिनेट था एक्स टू वाई टू, तो दोनों कोऑर्डिनेट को जब सेपरेट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे ए से बी की ओर जाने वाला वेक्टर निकालना है तो आपको बी वाले कोऑर्डिनेट में से ए वाला कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट जब कर दोगे, जैसे एक्स टू में से तो एक्स वन घटा दिया, वाई टू में से वाई वन घटा दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बी वैक्टर मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर मिल जाएगा जो कि ए से बी की ओर होगा। मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो एग्जाम्पल से हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान सा है। हालांकि मैंने इस पार्ट को वेक्टर में डिस्कस किया था लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें मोशन वगैरह सभी चीज़ें सीखनी है तो एक बार और मैं वापस यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे मान लो कोई पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 3 और कोई पॉइंट है क्यू जिसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 3, 5। तो सवाल यह है कि एक तो आप पता लगाइए कि OP वेक्टर क्या है, दूसरा हमारा OQ वेक्टर क्या होगा और तीसरा QP वेक्टर क्या होगा, Q से P की ओर जाने वाला वेक्टर क्या होगा, ये हमें निकालना है। ये मान लो O वेक्टर है, ये ओरिजिन है O और ये X और ये Y कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 ही ले रहे हैं अपन। तो हमें पता लगाना है एक तो OP वेक्टर, ठीक है, ये कितना, OQ वेक्टर ये कितना, और Q से P की ओर जाने वाला जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसकी वैल्यू पता लगानी है।
तो देखो ओपी वेक्टर तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया कि एक्स कोमा वाई है तो एक्स का आई के साथ और वाई का जे के साथ, तो 2,3 है तो यहाँ पे ओपी वेक्टर तो हो जाएगा देखो 2i कैप + 3j कैप, सिंपल सा ये ओपी वेक्टर हो गया। ओक्यू वेक्टर हो जाएगा इसी तरह से 3i कैप + 5j कैप, ये हो जाएगा ओक्यू वेक्टर। अब क्यू से पी की ओर जाने वाला वेक्टर निकालना है तो जिसकी ओर जा रहे हैं उसमें से पहले वाले को घटाएंगे, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्यू से पी की ओर जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3i कैप + 3 - 5j कैप। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्यू पी वैक्टर की देखो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, 2 में से 3 गया माइनस में 1 तो माइनस में i कैप, 3 में से 5 गया माइनस में 2j कैप, तो ये क्यू पी वैक्टर का आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, पोजिशन वैक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वैक्टर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म लेते हैं, इनमें अपन क्लासिफिकेशन करते हैं। कभी कभी मोशन के दौरान अपन ऐसा बोलेंगे कि भाई डिस्टेंस कैलकुलेट करो, और कभी कभी डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में वाकई में डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों क्या क्या चीज़ें इनमें कॉमन होती है और क्या चीज़ें इनमें डिफरेंट होती है, तो उसके बारे में अपन नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट लेते हैं डिस्टेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, उन दोनों को अपन डिफाइन करेंगे और समझेंगे, यानी कि दूरी तथा विस्थापन में क्या अंतर है, दूरी तथा विस्थापन इसमें डिफरेंस को समझते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो कोई बता सकता है ऑडियो ऑन करके या फिर चैट से, अगर आपको ऑलरेडी कुछ पता हो तो, किसी को पता है कि क्या सर डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? सर डिस्प्लेसमेंट तो सर मिनिमम पाथ बिटवीन टू पोजीशंस, और डिस्प्लेसमेंट तो एक्चुअल डिस्टेंस एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट मिनिमम पाथ। अच्छा बिल्कुल, देखो डिस्टेंस तो जो होता है, अगर मान लो आप ए से बी की ओर जर्नी कर रहे हो, यहाँ से ए से बी की ओर जर्नी कर रहे हो, ए से बी पॉइंट पे पहुँचना है आपको, ठीक है। बिल्कुल, देखो अब ए से बी की ओर जा रहे हो तो आपके पास कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, आप ऐसे घूम के जाओ, ये पाथ कोई ए हो गया है ना, आप घूम के गए लेकिन ऐसे गए, ये पाथ कोई बी हो गया, आप इधर से गए घूम के, ये पाथ कोई तीसरा पाथ हो गया, ये कोई चौथा पाथ हो गया है ना। तो ऐसे बहुत सारे पाथ हो सकते हैं ए और बी के बीच में, ए से बी तक जाने के लिए अनंत रास्ते हो सकते हैं, इनफाइनाइट पाथ्स हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट, अगर लेंथ की बात करूं, डायरेक्ट पाथ की बात करूं, तो वो केवल एक ही होगा, यहाँ से ए से बी की, और अगर मैं डायरेक्ट लेंथ का एक स्ट्रेट सीधा अगर बात करूं तो वो केवल एक ही होगा, इसको तो अपन बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, डिस्टेंस हो जाएंगे। या फिर अगर अपन बोलें कि अगर मान लो मैंने पाथ ये चूज़ किया है 1, ये है 2 और ये है 3 और ये है 4 और ये है 5, तो 1, 2, 4, 3, 3, 4 में तो क्या है, जो पाथ है वो अलग अलग है, लेकिन 5 में एक ऐसा पाथ है जो बहुत ही यूनिक है, जिसका लेंथ हमेशा फिक्स रहेगा, ये डायरेक्ट लेंथ है, डायरेक्ट डिस्टेंस है, डायरेक्ट लेंथ है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, तो इसे तो अपन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और कोई भी पाथ अगर ले रहे हैं तो उसका जो टोटल लेंथ होगा उस पाथ का, जैसे एक नंबर पाथ का टोटल लेंथ या दो नंबर पाथ का टोटल लेंथ, तीन नंबर का या चार नंबर का, वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ फॉर जर्नी इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है, इज कॉल्ड
डिस्टेंस। तो कोई भी यात्रा अगर कर रहे हैं तो उस यात्रा में जो मार्ग की कुल लंबाई है वो क्या कहलाएगी, हमारा दूरी कहलाएगी। यात्रा में मार्ग की कुल लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है, दूरी कहलाती है। और इसके अलावा अगर दूसरा डिफाइन करें डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, डायरेक्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। डायरेक्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, डायरेक्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है कि अगर आप प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की अगर सीधी दूरी देखें तो वो क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी, अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी, बीच की सीधी दूरी सीधी दूरी विस्थापन कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और टोटल लेंथ जो है जर्नी के पाथ की, वो तो डिस्टेंस होती है, और जो डायरेक्ट लेंथ होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमें ध्यान में रखना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अगर आप गौर से देखो तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की डायरेक्शन अगर देखें तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। कभी यहाँ पे देखें तो इधर मूव कर रहा है वो, कभी इधर मूव कर रहा है, कभी इधर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस की कोई फिक्स डायरेक्शन यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रही, हमें देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग है। तो इस वजह से ये जो टोटल डिस्टेंस आएगी, इस टोटल डिस्टेंस को अपन डायरेक्शन लेस बोलेंगे, यानी कि डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी की तौर पे लिया जाता है। तो इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ए से बी की ओर जा रहा है या बी से ए की ओर जा रहा है, ये एक बहुत ही यूनिक डायरेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो रही है डिस्प्लेसमेंट में, केस में। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ये डिफरेंस जो है आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि विस्थापन जो है यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। आई बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। डिस्टेंस तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, अब देखो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आखिर क्या है। मान लीजिए अगर एक पूरा कंप्लीट सर्कुलर पाथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पूरे सर्कुलर पाथ में, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, मान लो इनिशियल पोजीशन ये कोई ए थी, ये पोजीशन है कोई ए, मान लो इनिशियली यहाँ पे था टी बराबर जीरो पे, ये ए पोजीशन है। अब पूरा राउंड जब लगा के वापस इसी पोजीशन पे आ जाता है, जैसे मान लो ये इधर मूव कर रहा है, इधर मूव करके ये पार्टिकल वापस यहीं पे आ जाता है, मान लो ये पार्टिकल है, ये ऐसे मूव करता है, मूव करता है, मूव करता है, ऐसे मूव करता 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 यहाँ तक वापस आ जाता है मान लो, है ना। तो एक पूरे राउंड में ये डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा और डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रैवल करेगा ये पता लगाना है। और इस सर्कल की रेडियस जो है वो है 2 मीटर, इस सर्कल का रेडियस है 2 मीटर। तो इन वन कंप्लीट राउंड हाउ मच डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी कवर्ड बाय
ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ. तो पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं, इन ए कंप्लीट राउंड, इन ए कंप्लीट राउंड, इन ए कंप्लीट राउंड हाउ मच डिस्टेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी कवर्ड विल बी कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ, इन ए सर्कुलर पाथ. ठीक है, ये सवाल है कि ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में, बिल्कुल लक्ष्य, बहुत बढ़िया, अच्छा है, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सही दिया आंसर, और डिस्टेंस और के लिए 12.4. अच्छा चेक करते हैं डिस्प्लेसमेंट में, अच्छा डिस्प्लेसमेंट हो गया. चलो देखो सॉल्यूशन समझना, हिंदी में क्या है कि एक पूरे चक्र में जो वस्तु है, एक पूरे चक्र में एक वृत्ताकार मार्ग में, मान लो एक क्वेश्चन है हिंदी में लिख देता हूँ, वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर एक पूरे चक्र में, एक पूरे चक्र में दूरी तथा विस्थापन क्या होगा, दूरी तथा विस्थापन क्या होगा. तो ये सवाल है. इस केस में देखो रेडियस 2 मीटर दे रखी है, तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना इसका सॉल्यूशन, है ना, बहुत ही सिंपल सी अप्रोच लगाएंगे. हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा, हमने समझा. अब देखो डिस्टेंस के बारे में तो बताया था, टोटल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ जर्नी. जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ से पूरा ऐसे मूव करता आ रहा है, तो इस केस में जो पाथ की लेंथ है, टोटल पाथ लेंथ निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, सर्कमफेरेंस के बराबर ही हो जाएगी. अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस क्या होता है, इस केस में डिस्टेंस निकालना है अगर, तो डिस्टेंस जैसा कि मैंने बताया टोटल पाथ लेंथ होता है ना, टोटल पाथ लेंथ होता है कि जो पाथ हमने चूज किया उस जर्नी के लिए, उस पाथ की टोटल लेंथ क्या है, वही डिस्टेंस देगी. और इस केस में ये किसके इक्वल हो जाएगी, सर्कमफेरेंस के इक्वल हो जाएगी. देखो सर्कमफेरेंस के बराबर ही लेंथ का ही तो पाथ कवर कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो परिधि है उसके बराबर हो जाएगा. और परिधि जो होती है वो कितनी होती है, सर्कमफेरेंस होती है 2πr. तो यहाँ पे 2πr को अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो 2 इंटू पाई की वैल्यू ले लेंगे 3.14 इंटू रेडियस, जैसा कि मैंने दे रखा है ये हो गया 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 इंटू 3.12, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.412 मीटर. तो इतना हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 12.48 मीटर. ये तो डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो हमें देखना है डिस्प्लेसमेंट के केस में, तो जैसा कि मैंने डिस्प्लेसमेंट में बताया, डिस्प्लेसमेंट में आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट में क्या था, डायरेक्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. ये क्या था, डायरेक्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की अगर मैं डायरेक्ट लेंथ देखूं यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, अब वापस यहीं पे आ गया है, तो डायरेक्ट लेंथ यहाँ पे कुछ है क्या, बिल्कुल भी नहीं है. डायरेक्ट लेंथ तो क्या हो गई, जहाँ पे था अगर वहीं पे ही आ गया है, तो डायरेक्ट लेंथ क्या हो गई, जीरो हो गई. तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 मीटर ही हो जाएगा, यानी कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जहाँ पे था वहीं पे चल के आ गया, तो उसकी पोजीशन जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई है. तो अगर डायरेक्ट लेंथ निकालते हैं, सीधी दूरी निकालते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की, तो ये कितना हो जाएगा, 0 मीटर ही हो जाएगा. तो ये 0 मीटर आंसर आ जाएगा इस केस में डिस्प्लेसमेंट का. आई बात समझ में. अब देखो और सवाल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं सर्कुलर मोशन ही लेता हूँ, सर्कल में कोई मोशन ही लेते हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें पाथ जो लेंथ है वो हाफ ले लेते हैं. पाथ लेंथ मैं हाफ ले लेता हूँ, इतनी इतनी, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक आया,
तो उस केस में अगर ऑब्जेक्ट आता है, उस केस में अगर ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ से रवाना हुआ, ठीक है, और यहाँ से रवाना होके ये मान लो पॉइंट कोई ए है, ये पॉइंट ए है, और ए पॉइंट से रवाना होके ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँचता है बी पॉइंट पर, ये बी पॉइंट पर पहुँचता है ठीक सामने, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये हमें पता लगाना है, और जो रेडियस है वो है 1 मीटर। रेडियस में इसने इस बार क्या दी है, 1 मीटर दिया है। तो इस केस में फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस पता लगाओ एक तो कितना है, और डिस्प्लेसमेंट भी पता लगाओ इस केस में कितना है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर मान लो जो ऑब्जेक्ट है वो हाफ सर्कुलर पाथ कवर करता है, आधा ही वर्थ कवर किया है, पूरा सर्कुलर पाथ कवर ना करके उसने क्या किया है, हाफ सर्कुलर पाथ कवर किया है, आधा ही वृत्ताकार मार्ग को उसने कवर किया है। ये लो पिछला पेज देख लो सौम्य बाबू, मतलब अभी जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हाफ सर्कुलर पाथ अगर कवर करता है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हमारा सवाल है। तो डिस्प्लेसमेंट आदित्य ने बताया 2 मीटर, ओके, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, एकदम सही। और डिस्टेंस है पाई, ओके, बहुत बढ़िया, एकदम सही, 6.12, ओके। ओके, देखो सवाल सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ गया तो डिस्टेंस तो क्या बताया, मैंने बताया आपको कि डायरेक्ट जो लेंथ होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की, वही तो डिस्प्लेसमेंट होती है। तो डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर हो जाएगा, तो 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर तो कितना आ गया यहाँ पे, बहुत ही सिंपल तरीके से 2 मीटर आ जाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें तो देखो डिस्टेंस के केस में सर्कमफेरेंस पूरी कवर नहीं हो रही है, सर्कमफेरेंस कितना कवर हो रहा है, आधा ही कवर हो रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सर्कमफेरेंस का आधा हो जाएगा, यानी कि 2πr का आधा 2πr/2 हो जाएगा, है ना। अगर पूरा चक्कर निकालता तो सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करता, लेकिन इस केस में आधा ही चक्कर निकाल रहा है तो सर्कमफेरेंस का आधा हो जाएगा, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा π/r। और जैसा कि r की वैल्यू 1 मीटर है तो ये हो जाएगा π/1, यानी कि पाई ही हो जाएगा π मीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं 3.14 मीटर। तो इतना डिस्टेंस कवर किया जाएगा यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट जब पहुँचेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 और 1 2 मीटर ही होगा। आई बात समझ में। तो अभी आज अपन इस फिजिक्स की क्लास में तो इतना ही रखते हैं, और 10 मिनट के बाद केमिस्ट्री की क्लास के लिए